बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट बेबी? ये मेरा बच्चा नहीं है। पिछले 6 साल से सिर्फ ताने सुन रही और माँ बनने का इंतजार कर रही। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जिद है। किसी और के बच्चे को उठा के लाने से पैरों के नीचे जन्नत नहीं आ जाती। तुम तो माँ बन सकती हो, लेकिन शायद कभी भी बाप नहीं बन सकता। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से आप लोग? भाई जिस तरह से बॉलीवुड को जंग लग चुका है ना, मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तानी ड्रामास को भी जंग लग चुका है। भाई जिस तरह से पहले स्टोरी ड्रामास हुआ करते थे, जो हर हफ्ते टेलीकास्ट हुआ करते थे, आप और हम लोग उसको बड़े शौक से देखा करते थे, बजाय इसके कि अब पाकिस्तानी ड्रामास को वेब सीरीज के अंदर वेब सीरीज स्टाइल में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो 5 या 6 एपिसोड मुश्तमिल होगा और हर हफ्ते नई स्टोरी होगी। भाई मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी ड्रामा सरेराह की। अगरचे सबा कमर को या पाकिस्तानी वुमेन को अगरचे हीरो ही बनाना था तो सबा कमर को खड़ा करके उनके गले में हीरो का टाइटल डाल देते, बात को करते खत्म। क्यों खामखा में इतना बड़ा ड्रामा बनाया? क्यों खामखा में इतनी बड़ी कास्ट उन्होंने जमा किया? क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं यार? नहीं मतलब कहां इस तरह से होता है भाई, ड्रामा अगर बनता है तो उसकी स्टोरी को कहीं ना कहीं से तो लिया जाता है ना। पाकिस्तान में ऐसा कहां होता है मुझे बताएं। ड्रामा स्टार्ट होता है, ड्रामा स्टार्ट होते ही हमें ये नजर आता है कि सबा कमर साहिबा ओए आयशा की तरह फुल ऑन वायरल डांस करने में जो है ना मगन लगी पड़ी, उनको कुछ भी नहीं पता। जहां इनके वाले साहब को हार्ट अटैक होता है, इनको अचानक से याद आ जाता है कि भाई इनकी इंगेजमेंट को तो 6 साल हो चुके हैं और उनकी उम्र बीती चली जा रही है। अबे भाई जब 2 साल आपकी इंगेजमेंट को हुए थे तभी आपको अल्टीमेटम देते थे, डेडलाइन देते थे कि भाई 2 साल 2.5 साल 3 साल के अंदर हमें शादी करनी है। और अगर 6 साल बीत भी गए तो तुम्हारे 6 साल गुजरे हैं तो वो लड़का थोड़ी को दूसरी को शादी कर रहा है या उसको थोड़ी को दूसरी लड़की पसंद आ गई है, वो भी तुमसे शादी करने के लिए बेताब है और उसके भी 6 साल गुजरे हैं। उसने 6 साल गुजारे क्यों? 6 साल उसने इसीलिए गुजारे कि भाई वो एक अच्छी जॉब चाहता था जिसमें उसको जॉब मिली भी, जिसमें उसकी सैलरी 80,000 रुपए भी हुई। अगरचे वो 2 साल या 3 साल के अरसे के अंदर वो शादी कर लेता और उसकी इनकम कम होती, शादी के बाद फौरन बच्चे, तो भाई और बच्चों की किफालत वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, तो यही दुनिया और यही माशरा उसको कहता कि भाई जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। तो भाई आप इस बेचारे का कसूर क्या है? आप मुझे सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सबा कमर का एक ही कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई उसने तो सिर्फ मैट्रिक किया। भाई घर वालों ने किसी भी वजह से अगर आपको तालीम नहीं दी, इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप सिर्फ जो है ओए आयशा की जो है टिकटॉक देखो और उसके ऊपर डांस करो। ये कहाँ बोला था घर वालों ने आपको? आप जो है ओए आयशा की टिकटॉक देखे जा रहे हो, उसके ऊपर डांस किए चले जा रहे हो, 2 बजे उठ रहे हो, 3 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, आपसे कोई पूछने रहा, आपको कुछ बोलने रहा। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी फैमिलीज है जहाँ पर लड़कियों ने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ होता है, लेकिन साथ के साथ उनको सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, कुकिंग भी आती है और वो बच्चों को ट्यूशन भी दे रही होती है। जो लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, इनमें ऐसी लड़कियां हमें बेशुमार मिल जाती हैं। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो ओए आयशा की टिकटॉक देखनी है और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं आता क्योंकि हमने किया हुआ सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक। कहां होता है यार ऐसा कि घर के हालात देखते हुए एक इतना बड़ा जवान भाई जो है वो कोई काम नहीं कर रहा। हमारे मुआशरे में लड़के ऐसे होते हैं जो स्टडी स्टार्ट करते हैं ना तो साथ में पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ऐसे लड़कों को, आप कितने लड़कों को जानते हो, मैं भी कितने लड़कों को जानता हूँ, तो यार जो काम भी कर रहे हैं स्टडी भी कर रहे हैं साथ में और घर के ऐसे हालात, जब वाले साहब को हार्ट अटैक हो चुका है, घर का कफील कोई नहीं है, लड़का खुद आगे बढ़ के स्टैंड लेता है कि नहीं यार मैं कमाऊंगा, मेरी बहन हो या मेरी माँ क्यों। लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टे की बात चला दी उन्होंने कि लड़का बोल रहा है कि मैं MBA कर रहा हूँ तो मैं तो जॉब के अंदर किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं तो जो जनाब जो है टेढ़ा मोबाइल करके पबजी खेल लूंगा, मैं नहीं करूंगा कोई काम, मेरी बहन ने जो करना वो कर ले। और बहन को भी दुनिया के सारे काम छोड़कर उसको ख्याल क्या आया, टैक्सी चलाना, जो कि मेरे बाप ने काम किया और कुछ भी काम नहीं किया। चलो भाई ठीक है, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। वो ले जाकर के स्टैंड के ऊपर टैक्सी को खड़ा करती है और आता है सबसे पहला पैसेंजर आता है, टैक्सी खड़ी होती है, 4 टैक्सियां खड़ी होती है, चारों के साथ ड्राइवर खड़े वो अपनी टैक्सी को साफ कर रहे होते हैं। आता है एक पैसेंजर आते के साथ उसी टैक्सी में खड़ा होता है जिसका जो ड्राइवर जो है वो सबा कमर साहिबा होती है और वो थोड़ी सी आगे पीछे होती है, उनका मुंह जो है वो दूसरी साइड पे होता है। आते के साथ ही टैक्सी को बजाता है, बजा करके पूछता है कि कहां है इसका ड्राइवर, अरे 4 टैक्सियां तेरे सामने खड़ी है, तू आकर के बजा रहा है ये टैक्सी। चलो भाई इस चीज को भी अपन जो है वो इग्नोर करते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। टैक्सी में आकर के बैठता है, किराया होता है 750 रुपए। गाड़ी को देखने के साथ ही पहचान जाता है कि भाई मैं तो जो है हर हफ्ते इसी गाड़ी में बैठ करके जो ना कहा जाता हूँ, शेरशाह जाता हूँ। अच्छा भाई ठीक है, शेरशाह तो जा रहा है। आगे से वो गाड़ी को पहचान भी जाता है और सबा कमर से पूछते हैं कि तुम्हारे वाले साहब कहाँ हैं। जमाने भर को सबा कमर साहिबा ने अपने घर की अपने पेट की सारी स्टोरी सुना दी कि भाई हमारे साथ तो ये हो रहा है। आगे से वो बंदा उस सबा कमर को बेवकूफ बोलता है कि भाई 1200 रुपए किराया होता है और तुमने मुझसे 750 रुपए लिया, तो ये तो सबसे बड़ा सबक तुम्हें दे रहा हूँ मैं कि तुम बेवकूफ हो। चाचा ने लड़की को सबक दिया कि भाई 1200 रुपए के बजाय तुमने 750 दिए, सबक भी दे रहा और एंड में जब उतरता तो 750 ही पकड़ा करके चला गया। साथ में 3 नसीहत और करके चला गया कि भाई फ्रंट सीट पे किसी को बैठने नहीं देना, शेर की बच्ची आंखों में आगे डाल के बात करना। यार ये कौन सी कहानी चली, अरे तू सीखे दे रहा है, तू इतनी उसको समझ दे रहा है तो तू 750 के बजाय तू 1200 देता है, भाई तू चाचा तू 1000 दे देता तू उसको, नहीं हमने तो 750 देना। अच्छा इसके अलावा
सबा कमर साहिबा जो है एनजीओ वालों को या कैब जो प्रोवाइड करती है कंपनी उसको जितने पैसेंजर आए सबको सबके सबको जो है अपने घर के हालात सुना रही है, बजाय इसलिए कि अपने मंगेतर और अपनी सास को बुला करके बिठाती है और बिठा करके बोलती है कि भाई हमारा कोई कफील नहीं है और हमारे हालात ये चल रहे हैं, आप हमें मशवरा दें कि मैं क्या करूं। नहीं, दुनिया को सारी स्टोरी सुना दी है और क्या कहते हैं अपनी सास और अपने मंगेतर को जो है ना वो इस मशवरे के अंदर जो है ना उन्होंने शामिल नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ तक तो बात आपको स्टोरी समझ में आ गई, बल्कि वो जब उनके जो है मंगेतर साहब उनको टैक्सी चलाता हुआ देखते हैं वो उन पर नाराज होते हैं और अपनी वालदा को लेकर जब उनके घर पर आते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको जवाब देते हैं, जबकि उनकी सास उनसे खुद ये कहती है कि भाई ऐसे मामला थे तो आप किसी स्कूल में कोई मास्टर नहीं को टीचिंग वीचिंग कर लेती हैं, आपको क्या जरूरत है, आप खाली टैक्सी ड्राइव टैक्सी आपको समझ में आई। रिश्ता खत्म करने की बात उनकी सास ने बिल्कुल नहीं की और ये खुद इन्होंने रिश्ता भी खत्म कर दिया, मजलूम कार्ड भी इन्होंने खेल लिया, इन दोनों को उठाकर घर से बाहर भेज भी दिया उन्होंने, वो चले भी गए और खुद मजलूम अपने हाथों से बने भी गए। अगले दिन जनाब उनके मंगेतर साहब उनसे मुलाकात करते भी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं तो उनसे इतना रूडली बिहेवियर कि उनको गुस्सा आ जाता है, वो जब उन्होंने उधार दिया था तो उनसे अच्छा कोई इंसान नहीं था और जब वो आकर के गुस्सा उनको दिलाया तो उन्होंने मुंह से निकाल दिया कि भाई मैंने तुम्हें 40,000 दिए थे उसका क्या हुआ, वो कबाब लौटा रहे हो, तो फुल ऑन मजलूम बन गए कि भाई क्या कहते हैं ये आपकी हालात में हमसे पैसे वापस मांग रहे हो, आपकी हालात में तकादा कर रहे हो। इसको भी उस मंगेतर साहब ने कवर किया, उसने कहा कि भाई मुझे गुस्सा आ गया था, आपने इतना रूडली मुझसे बिहेवियर किया, मैंने कोई मंगनी खत्म नहीं की, आप मंगनी खत्म करने पर तुली भी है, नहीं हम तो मजलूम है, आपने ऐसा बोला क्यों हमें, हम आपको 5-6 महीने के अंदर पैसा आपको लौटा देंगे पापा को। अरे ये कौन सा चीन, अबे वो माफी मांग रहा है, कम से कम उसकी माफी को समझ तो सही, वो क्यों माफी मांग रहा है, उसने बोला क्यों ये तो समझ तो 6 साल गुजर गए तो अब शादी करने के लिए तेरे से एग्री तो है वो, अब और क्या करे बेचारा वो तेरे पाँव पकड़ ले। हद है यार भाई, ये था मेरा ओपिनियन इस ड्रामे से रिलेटेड, ये थी मेरी राय, आपकी अगर क्या राय है तो भाई मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मेरी राय के हवाले से भी कुछ ना कुछ राय जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सेकंड एपिसोड का रिव्यू जो है वो भी आपने जरूर जरूर देखना है, तो भाई उसका भी इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।